दोस्तों ये है 2022 मॉडल हीरो पैशन प्रो, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है मून येलो कलर। और आज की इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप 2022 में पैशन प्रो लेने वाले हैं तो इसका क्या ऑन रोड प्राइस यानी कि कंप्लीट प्राइस कितना पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जो है हर 3-4 महीने पर कंपनी एक छोटा सा अपडेट दे के प्राइस तो बढ़ा ही देती है। ठीक है, तो फटाफट हम शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्राइस से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए 2022 में पैशन प्रो के 4 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेल्फ और ड्रम होगा, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क ब्रेक नहीं होगा और सेल्फ की सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा सेल्फ और डिस्क के साथ होगा, यानी आगे की तरफ आपको डिस्क मिलेगा। फिर आएगा 100 मिलियन एडिशन ड्रम ब्रेक के साथ, और फिर आएगा 100 मिलियन एडिशन डिस्क ब्रेक के साथ। ठीक है, इनके प्राइस में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ 4 से 5 हज़ार का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। सबसे लो वेरिएंट आपको मिलेगा 70,820 रुपये का। तो चलिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ये सबसे लोएस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको सेल्फ और ड्रम मिलता है, यानी कि इसमें डिस्क वगैरह नहीं मिलता। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 70,820 रुपये, यानी कि 70,820 रुपीज़ इस समय एक्स शोरूम प्राइस चल रही है, और ये महीना चल रहा है जून और जुलाई का 2022 का। ठीक है, तो ये इसकी प्राइस है। और कंप्लीट बाइक के लिए आप अपना जो बजट रखेंगे वो रखेंगे 85,000 से 90,000 के बीच में, यानी कि 85,000 to 90,000 के बीच में अगर आप अपना बजट रखते हैं तो ये बाइक कम्प्लीटली आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कलर आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में हमसे ज़रूर बताइएगा। और भी कलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको हैवी ग्रे मेटेलिक, मून येलो, स्पोर्ट रेड, ग्लास ब्लैक, 100 मिलियन लिमिटेड एडिशन और टेक्नो ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाता है। ये जितने भी कलर कॉन्सेप्ट हैं ये BS6 के बाद आ चुके थे, इसमें कोई नया कलर, एडिशनल कलर ऐड नहीं किया गया है अब तक, और हो सकता है कंपनी नए अपडेट में ये नए कलर लेकर आ सकती है। खैर, आप बताइएगा नए कलर की ज़रूरत है भी या फिर नहीं। इंजन के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपको 9.15 यानी कि 9.15 PS की मैक्स पावर देखने को मिलेगी 7,500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 9.89 यानी कि 9.89 Nm का मिलेगा 5,000 यानी 5,000 RPM पे। पावर और टॉर्क मैंने आपको बता दिया, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको सेम 130 यानी 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं, और IBS का सपोर्ट है। अगला ब्रेक लगाते हैं तो पिछला ब्रेक भी साथ में लगेगा। ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर भी इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और बता दूँ, इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 यानी कि 180 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और इसमें बहुत सारे सेंसर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो राइडिंग क्वालिटी है वो पहले से और भी बेहतर हो जाती है। सेंसर्स के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप बाइक को राइड करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। माइलेज की बात लगे हाथ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छी राइड करते हैं तो हमेशा आपको 60 का माइलेज आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हैं और थोड़ा रफ़ राइड करते हैं, आपकी राइडिंग क्वालिटी थोड़ी रफ़ है, तो फिर माइलेज थोड़ा घट सकता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने वो सारी जानकारी आपको दे दी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से प्राइस आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप बिना डिस्क वाला वेरिएंट लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको 70,820 रुपये एक्स शोरूम प्राइस देने पड़ेंगे। और कंप्लीट इंश्योरेंस कागज़ वगैरह जब कंप्लीट करवाना चाहेंगे आप, तो आपको 85 से 90 यानी 85,000 to 90,000 तक का अपना बजट रखना पड़ेगा, तभी ये बाइक आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, जिसमें नया कलर इसका हम लेकर आएंगे आपके सामने। और अगर आपकी कोई चॉइस है, कोई अलग कलर इसका अगर आप देखना चाहते हैं जो भी है, तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमेशा हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाइए, बिना हेलमेट के बाइक को राइड मत करिएगा। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।